लंबे गहरे श्वास और एक अनुष्ठान की तरह भस्त्रिका प्राणायाम करना बिना विराम के, और अपने भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र को तैयार करते हुए जब हम योग अभ्यास करते हैं तो हमारा प्राणिक ऊर्जा का क्षेत्र ओरा अपने आप बढ़ता है। लंबे गहरे श्वास एक अनुष्ठान की तरह, और पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण समर्पण से, ईश्वर परिधान से पूर्वक भस्त्रिका प्राणायाम करना। दर्शन दो मेरे नाथ, मेरी अखियां है प्यासी, दर्शन दो मेरे नाथ, मेरी अखियां है प्यासी, दर्शन दो मेरे नाथ, मेरी अखियां है प्यासी, सुध लो सामर्थ्य के अनुसार निरंतरता पूर्वक करना, एक क्षण का भी विश्राम नहीं, विराम नहीं, एक अनुष्ठान की तरह, एक यज्ञ की तरह, हर श्वास के साथ प्रभु की कृपा का एहसास, प्रभु के आशीषों से हर पल स्वयं को अभिषिक्त अनुभव करते हैं। मेरे इस पंचभौतिक, पंचभूतात्मक, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय सहित मेरे पूरे अस्तित्व को, मेरी आत्मा को परमात्मा अपने दिव्य शक्ति से, दिव्य सामर्थ्य से, दिव्य भक्ति से, दिव्य
मति से, दिव्य ज्ञान से अभिषिक्त कर रहे हैं। ऐसे भगवान की पूर्ण शरणागति में प्राणायाम अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप करना, यथाशक्ति करना, लेकिन विराम नहीं, विश्राम नहीं। प्रकाशित कर ना सके भोर भय जीवन के, लेकिन मन को प्रकाशित कर ना सके। जीवन का दिन ढलता गया पर तुमको मैं ना देख सके। आप भी गाइए। अब मुख निहारो बाट
अखियाँ हैं प्यासी, दर्शन दो।